पानी नीचे लग रहा थोड़ा थोड़ा ना, अब पानी मार रहा है। अब डाल दो पानी जितना डालना है, वैसे चपाती के लिए खा। जरा अपना तेल, इसको होने देंगे थोड़ा गर्म, अपने कौन तक कर पाएंगे। खड़े मसाले जा रहे, खड़े मसाले सारे डाल दो। तेल अच्छे गर्म हो गया है ना, अदरक लहसुन चाल डालो, मत तो मटा दिए अच्छे वाले जैसी जी। हाँ मिक्स जाएंगे, पकने देते हैं थोड़े ना, ये ताज़ा फ्रेश मटन विंटर पार्टी में। हमारे कुछ साथ बैठे इधर पर पता चले कैसा बन रहा है। मसाले हल्के हल्के फ्राई होने लगी, थोड़ा घुमा दे रखे, घुमा दे रहे तो गर्म मसाले हो गए। अब डाल दो मटन, अब थोड़ा इसको भूज जाने दो और थोड़ा ढक्कन रख दो बस। हाँ ठीक है, मिल गया, ढक्कन रख दो थोड़ी देर के लिए, मसाले भूज जाने दो इसके साथ। एक पक्के का अब गए मसाले, थोड़ी देर ढक्कन रख दो, कुछ देर मसाले पकने के बाद टमाटर डालेंगे। इसमें तेल और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब डालेंगे टमाटर। चलो हाँ ठीक है, चलाते रहो चलाते, नीचे नहीं लगाना चाहिए।
देर के लिए ढक्कन रख दो, जब टमाटर पक जाएंगे तो फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये खाने के लिए तैयार। स्मोक्स हो गया और ढक्कन रख दो तभी टमाटर गलेंगे जल्दी, ऐसे टमाटर गलने वाले नहीं है। हाँ चलो देखो वो पानी मांग रहे, टमाटर देखो भूल गए नहीं भूले। पानी नीचे लग रहा थोड़ा थोड़ा ना, अब पानी मांग रहा हूँ। अब डाल दो पानी जितना डालना है, वैसे चपाती के लिए खाने के लिए तैयार है बिल्कुल। अपने हिसाब से करी डाल के आपको इसको कम से कम 40 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर तैयार है खाने के लिए।